और स्प्रिंग का की क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड अभी ये जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे है, किस पे है, नेचुरल लेंथ, एंड बाहर जो प्रेशर है वो पी नॉट है, ये गैस है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे हीटर लगाया है, और इस हीटर से क्या है, स्लोली स्लोली क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है, ठीक है ना, स्लोली स्लोली इसमें हीट दी जा रही है इस हीटर के थ्रू, और इस हीटर के थ्रू जो हीट दी जा रही है उसे टेम्परेचर में भी चेंज होगा, और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में भी चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है, और ये एडियाबैटिक पिस्टन भी है, ठीक है, और जो वॉल्स है वो भी क्या है, एडियाबैटिक वॉल्स है, एडियाबैटिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है ना, जिनके थ्रू हीट लॉस नहीं हो सकता है, जो हीट आ रहा है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ऑन द एक्सटर्नल अरेंजमेंट, यही इसी में जा सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको एडियाबैटिक वॉल्स लिया करते हैं, ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग लगा हुआ है, इस चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं कह सकते, मतलब ये ना तो आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब इसमें ना तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ना ही इसमें क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और ना ही इसमें क्या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, ठीक है ना, सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात, जब ऐसा है तो हम, अगर हमें निकालना है कि वर्क डन बाय द गैस निकालना है, इस केस में क्या निकालना है, वर्क डन बाय द गैस निकालना है, कि मान लीजिए जो पिस्टन है वो एक्स डिस्प्लेस हो जाता है, कितना, एक्स नॉट, मतलब फाइनल, फाइनली पिस्टन जो डिस्प्लेसमेंट जो पिस्टन का होता है वो कितना होता है, एक्स नॉट, लिख सकते हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज एक्स नॉट, देन फाइंड आउट द, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस। इस केस में वर्क डन बाय द गैस कैसे निकाले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, समझ आ रही, इस केस में वर्क डन बाय द गैस कैसे निकाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कि मतलब पिस्टन का कितना डिस्प्लेस हो जाता है, पिस्टन, पिस्टन एक्स नॉट डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पिस्टन का, एक्स नॉट, ठीक है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, एक्स नॉट एक अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, इसके लिए सिंपल सी पहले एक बात बताइए कि वर्क डन बाय द गैस हमने जो शुरुआत में बताया था वो क्या बताया था, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय डीवी, यही तो बताया था, यही तो था। चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी को क्या लिख सकते हैं, डीवी को लिख सकते हैं ए इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, समझ आ रही है, अरे एरिया चेंज हो रहा है क्या, इस अगर कॉलम की बात करें तो इसका ये एरिया चेंज हो रहा है, नहीं, पिस्टन बस डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है ना जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, नहीं समझ आई आपको, ये बात बताओ कि इस पिस्टन को मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx दूं मैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx, तो जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, उसी dx डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx की वजह से ही तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ना, श्योर, यही तो बात है। इसका मतलब क्या है कि जो dv है उसको हम adx तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गैस का प्रेशर, क्या चाहिए, गैस का प्रेशर चाहिए, तो गैस का प्रेशर कैसे लिख सकता हूं मैं, कि मान लीजिए, कि मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दिया है, अभी मैं फाइनल इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट ना मानते हुए ये मैंने मान लिया कि इसको थोड़ा सा मैंने x डिस्प्लेस कर दिया है, कितना, ये मैंने मान लिया है कि इस पिस्टन को मैंने कितना डिस्प्लेस कर दिया है, x डिस्प्लेस कर दिया है, मान लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब मान लीजिए x डिस्प्लेस कर दिया, प्रॉपर x डिस्प्लेस मैंने कर दिया, x dx नहीं है ध्यान रहे, तो x अगर डिस्प्लेस इसको कर दिया है, ध्यान से समझना, इसको मैंने कितना कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे पिस्टन है, ठीक है, यहां पे क्या है, पिस्टन है, और यहां पे पिस्टन, पिस्टन की वजह से गैस का भी प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है ना, गैस का भी प्रेशर कुछ होगा इस टाइम पे,
जब पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये पिस्टन की मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है और मान लीजिए पिस्टन की जो फाइनल पोजीशन है ना वो यहां पे है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन, ये फाइनल पोजीशन है, मतलब इन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स नॉट, ठीक है, मतलब पिस्टन को एक्स डिस्प्लेस कर दिया है, तब पिस्टन की सिचुएशन अगर हम देखें तो देखो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन पर जब पिस्टन को एक्स डिस्प्लेस कर दिया है तब जो स्प्रिंग है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, के एक्स फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, और जो ये बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, P नॉट इंटू ए एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इधर से गैस का प्रेशर होगा, जब पिस्टन एक्स डिस्प्लेस हो चुका है तब गैस का भी तो प्रेशर होगा, वो कितना, P गैस मल्टीप्लाई बाय एरिया, समझ आ रही है, ये गैस का फोर्स लग रहा होगा, मतलब गैस का प्रेशर PG होगा और गैस की वजह से फोर्स इतना लग रहा होगा और बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स इतना लग रहा होगा, स्प्रिंग की वजह से फोर्स इतना लग रहा होगा विच इज Kx, इसमें मुझे लगता नहीं है कोई शक है किसी को, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं मान लूं कि इससे dx डिस्प्लेस हुआ, इससे x पे जाके dx थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करूंगा तो ये वो dx है, समझ आ रही है, dx थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस जिसमें हम pg को कांस्टेंट मान सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस को कांस्टेंट मान सकते हैं, समझ आ रही है, क्या मान सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस को इस केस में हम कांस्टेंट मान सकते हैं। या दूसरी बात, अगर हमको ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम वर्क डन बाय द गैस कैसे लिखेंगे, सिंपल वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस कैसे लिखेंगे बोलो, गैस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, गैस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो मल्टीप्लाई बाय द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन, यही तो क्या होगा, अरे यही तो होगा ना गैस का वर्क डन, नहीं समझ आए, अगर वर्क डन बाय द गैस अगर मुझे लिखना है सिंपली तो क्या लिखोगे, तो छोटा सा वर्क डन बाय द गैस अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, एक फोर्स का अगर वर्क डन लिखना है, एक फोर्स कौन सा, गैस के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका वर्क डन लिखना है तो कैसे लिखोगे, गैस द्वारा जो लगाया गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो गैस का फोर्स है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पिस्टन के डिस्प्लेस होने पर जो फोर्स है और जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो चेंज हो रहा है, और प्रेशर ऑफ द गैस चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस इज ऑल्सो चेंजिंग, समझ आ रही है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर डायरेक्टली भी लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाय द गैस, फोर्स बाय द गैस ऑन द पिस्टन मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, दिस इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस, समझ आ रही है, जो गैस जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसका वर्क डन, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हमने क्या माना, यहां से x से dx डिस्प्लेस हो गया, x से dx डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, उसके लिए x से मान लीजिए dx डिस्प्लेस करने में, x से dx डिस्प्लेस करने में जिसमें हम प्रेशर ऑफ द गैस को कांस्टेंट मान सकते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर ऑफ द गैस को कांस्टेंट मान सकते हैं, समझ आ रही है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन लिख दिया, और छोटे से वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अब हम मुझे पता है कि PG जो है ना, PG यहां से क्या आ जाएगा, क्योंकि इस पिस्टन पे क्या फोर्स बैलेंस करो, क्योंकि स्लोली स्लोली गैस क्या है फ्लो कराई जा रही है, इसलिए स्लोली स्लोली धीरे 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 इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, स्लोली स्लोली इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब हमेशा फोर्स क्या है बैलेंस्ड है, किस पर, पिस्टन पर, क्योंकि स्लोली स्लोली गैस दी जा रही है, हीट दी जा रही है, समझ आ रही है, स्लोली स्लोली हीट दी जा रही है, तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो, हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे है, इसमें कोई भी इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो मान सकते हैं, मतलब इधर से लगने वाले फोर्स इक्वल टू इधर से लगने वाले फोर्स मान सकते हैं, समझे, तो PG इंटू ए इक्वल टू हम मान सकते हैं P नॉट प्लस P नॉट ए के एक्स,
मतलब प्रेशर ऑफ द गैस को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस के एक्स बाय ए, ये लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, जब एक्स डिस्प्लेस हो चुका है पिस्टन तब, ये तब की बात हो रही। अब डी एक्स थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए, कौन, पिस्टन, तो जो फोर्स गैस के द्वारा लगाया जा रहा है उसका वर्कडन कितना होगा, जो गैस के द्वारा फोर्स है वो मल्टीप्लाई बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या फिर डायरेक्टली आपको मैंने फॉर्मूला ये लिखाई दिया है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उलझल उल बातें करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल पी गैस डालिए यहां पे और डीवी का लिखिए, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब यहां जब एक्स पे है, एक्स से डीएक्स गया, एक्स से यहां से डीएक्स गया, ये मान लीजिए डीएक्स गया, एक्स से डीएक्स पिस्टन गया, और ये डीएक्स जाने में पिस्टन, मतलब ये डीएक्स मान लो डीएक्स जाने में पिस्टन में, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, डीवी, और वो चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, ए इंटू डीएक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, मतलब एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाई बाय द डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, वही तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब समझो मेरी बात कि प्रेशर ऑफ द गैस को यहां से लिख सकते हैं, तो यहां पे ये क्या लिखूंगा मैं, प्रेशर ऑफ द गैस ए डीएक्स, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, बोलो, पी नॉट ए प्लस के एक्स डीएक्स, ये लिख सकता हूं। अब यहां पे एक्स की लिमिट लगाऊंगा, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, मान लीजिए यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो मान लो, यहां पे क्या मान लो, एक्स इक्वल टू जीरो मान लो, और यहां पे क्या मान लो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट मान लो, समझ आ रही है, यहां पे x इक्वल टू एक्स नॉट मान लो, मतलब फाइनल पोजीशन को x इक्वल टू एक्स नॉट मान लो, और इनिशियल पोजीशन को जो हमने x इक्वल टू जीरो माना है, तभी तो यहां से इनिशियल पोजीशन से x पे जाके हमने पिस्टन पे फोर्स लिखा था नेट, समझ आ रही है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली x इक्वल टू कहां से, जीरो से x नॉट, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। तो p नॉट a dx, अब हमें पता है कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, जीरो से एक्स नॉट प्लस के कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, के डीएक्स जीरो से एक्स नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन, बोलो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, बोलो हाफ के, हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हम कह सकते हैं के एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसमें जब लिमिट लगाएंगे जीरो से एक्स नॉट, तो फाइनली एक्स नॉट रखेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू, जीरो रखेंगे तो जीरो, तो इसलिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे एक्स नॉट, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, और वी कैन से ऑन द एक्सटर्नल अरेंजमेंट, ठीक है ना, समझ आ रही है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये जो हीटर लगा हुआ था, ठीक है, और इस पिस्टन के साथ में स्प्रिंग लगी हुई थी, ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था और नेचुरल लेंथ पे थी, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, इतना हो रहा था, ठीक है ना। अगर मुझे x नॉट कितना हो रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अगर इसको मैं मुझे करना है डायरेक्टली करना है और आसान तरीके से करना है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसे इनिशियल सिचुएशन मान लो, इसे फाइनल मान लो, और हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन क्या है, जीरो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पिस्टन की जीरो है, क्योंकि इनिशियली भी पिस्टन रुका हुआ था और फाइनली भी पिस्टन रुका हुआ है, और मैं बेसिकली क्या इसको हीट स्लोली स्लोली दे रहा हूं, और स्लोली स्लोली देने के चलते क्या है कि इसको कोई भी काइनेटिक एनर्जी मिल नहीं पा रही है, धीरे 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 स्लोली स्लोली ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो हम इससे भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में अगर देखें, तो इस पिस्टन पर अगर देखें कि जब पिस्टन यहां से मान लीजिए किसी एक्स पे चला गया है, तब किस किस का फोर्स है, एक तो गैस इस पे वर्क कर रही है, एक स्प्रिंग इस पे वर्क कर रही है, समझ आ रही है, और एक यहां पे जो पी नॉट प्रेशर था
वो इस पे वर्क कर रहा है, समझ आ रही है, पी नॉट इनटू ए फोर्स लग रहा है, यही तो हो गया। मतलब वर्क किस किस का आ रहा है इस पिस्टन पे, वर्क डन बाय द गैस प्लस क्या आ रहा है, वर्क डन बाय पी नॉट प्लस क्या आ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों ही सिचुएशंस पे ये पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है ना। वर्क डन बाय द गैस हमको निकालना है, तो निकाल दो, वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द पी, वर्क डन बाय पी नॉट, पी नॉट का मतलब पी नॉट इंटू ए फोर्स लगेगा हमेशा, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, उसकी वजह से, ठीक है, माइनस द वर्क डन बाय द पी नॉट इंटू ए और माइनस वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ठीक है ना। और हमें पता है स्प्रिंग का वर्क डन हमें सिंपल पता है, तो इसलिए ज्यादा हमको देखना नहीं है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, यही तो होता है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको काइनेटिक उसमें बताया था आपको वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर बोला है तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, समझ आ रही है। तो अब बताइए यू इनिशियल मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग जब इनिशियल सिचुएशन पे थी तब नेचुरल लेंथ पे, इसका मतलब देयर इज नो इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो एक्स जीरो होगी किस केस में, इनिशियल सिचुएशन पे, क्योंकि इनिशियल सिचुएशन पे स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है ना ही इलोंगेट है, तो इसका मतलब यू इनिशियल जीरो। यू फाइनल मुझे बताइए, यू फाइनल होगा क्योंकि स्प्रिंग एक्स नॉट कंप्रेस कर जाती है, तो इसलिए एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना आ गया, बोलो, वो आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो कि माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आ गया। अब दूसरी चीज क्या है कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये वाला कांस्टेंट फोर्स है, और इस पिस्टन का इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स कांस्टेंट इधर, तो इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन को मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस 180, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स नॉट और माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये भी सेम ही आंसर आपको मिल जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम मिल जाएगा क्या, वर्क डन बाय द गैस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम इन जनरल प्रोसेस। तो इसको जनरल प्रोसेस है जिसको मैंने आपको अभी बताया है, जनरल प्रोसेस का मतलब यहां पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और यहां पे हमने वर्क डन बाय द गैस निकाल लिया। और सेकंड मेथड मुझे लगता है बहुत आसान मेथड है, फर्स्ट मेथड में थोड़े उलझ सकते हो आप, क्योंकि वहां पे एक्स पे जाके डीएक्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सोचना होगा, ठीक है। सो नाउ एक और टाइप का प्रोसेस पढ़ेंगे हम, विच इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, उसको जानते हैं हम, ध्यान से सुनिए एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, कि इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे कि यहां पे जो हीटर लगाया करते थे ना, अब यहां पे कोई भी हीटर नहीं लगाएंगे, मतलब ये सारी वॉल्स और पिस्टन क्या है, बोलो, वॉल्स और पिस्टन ये है एडियाबेटिक और नॉन कंडक्टिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ heat. So we can say there is no exchange of heat. So we can say
कि यहां पर जो गैस है, अंदर जो गैस है उसको कहीं से कोई हीट नहीं मिलेगी। पिस्टन मूवेबल है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बाहर का प्रेशर ऑब्वियस है पी नॉट है, ठीक है ना। और यहां पे ये मान लीजिए कि पी नॉट बाहर का प्रेशर तो है ही, उसके साथ में ये मान लीजिए कि इसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ मान लिया कि ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल कुछ एजेंट लगा दिया है, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब प्रेशर भी इसमें चेंज हो रहा है और इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट द थिंग इज कि जो हीट डिलीवर हो रही है या हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, मतलब हीट निकलना हीट जाना सब बंद है, क्योंकि आप वॉल्स देख सकते हैं, वॉल्स एडियाबैटिक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और हीटर भी नहीं लगा रखा, जैसे लास्ट जो प्रोसेस किए थे उनमें हीटर लगा देते थे, हीटर क्या करता था हीट देने लगता था, हीट ट्रांसफर करने लगता था, यहां पर कोई हीट नहीं। तो सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई होगी कि अगर हम यहां पढ़ते थे कि क्यू नेट इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस, तो यहां पे जो क्यू नेट है वो क्या है, जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, समझे। अब सुनो मेरी बात, तो वर्क डन बाय द जो गैस होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ, माइनस डेल्टा यू का मतलब हम कह सकते हैं एफ बाय टू एन आर, यहां पे माइनस तो लगा हुआ है, डेल्टा टी, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाय टू एन आर, एफ बाय टू एन आर बोलो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, समझे। दूसरी बात समझो, दूसरी बात यह है कि गैस कौन सी है इसके अंदर, आइडियल गैस, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस तो होती है, प्रोसेस ये हो गया, तो प्रोसेस से जो वर्क डन आ गया वो तो ये आ गया। अब प्रोसेस के थ्रू जो वर्क डन बाय द गैस है वो ये आ गया, ठीक है। अब आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी, मतलब अगर हम बात करें कि P1, P इनिशियल, V इनिशियल इक्वल टू nR T इनिशियल, अगर हम बात करें कि P फाइनल, V फाइनल इक्वल टू nR T फाइनल, ऐसा तो कर सकते हैं ना, मोल्स तो कांस्टेंट है ना, तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि इसको इसमें से माइनस करें, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन कहें और फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन करें, तो हमको क्या मिलेगा, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल इक्वल टू एन आर T इनिशियल माइनस T फाइनल। सो वो रिलेशन जो आया है वो किसकी वजह से, आइडियल गैस की वजह से। तो इस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे केसेस में लिख सकते हैं F बाई टू P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल, समझ आ रही है। तो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, ये किस केस में है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में है, वर्क डन बाय द गैस, समझे। अब इसमें एक और चीज पढ़ेंगे हम, जैसे कि हम रिलेशन पढ़ा करते थे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। आइसोबारिक में क्या होता था, पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, सॉरी आइसोकोरिक में, ये जो मैंने बताया वो किसमें होता था, आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि P1 upon T1 equal to P2 upon T2, आइसोबारिक में क्या होता था,
v1 upon t1 equal to v2 upon t2. ऐसे ही हम एडियाबेटिक प्रोसेस में एक रिलेशन और निकालना चाहते हैं कि पीटी में कोई रिलेशन निकल आए, पीवी में कोई रिलेशन निकल आए, वीटी में कोई रिलेशन निकल आए, ऐसा कुछ रिलेशन निकले कि ये समझ आ रही है कि ऐसा कुछ करते हैं जैसे इसमें करते थे हम p1 v1 equal to p2 v2, ऐसा कुछ अगर रिलेशन इसमें निकल सकता है तो उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं निकलता है या नहीं। ठीक है, फिर इसको वर्क डन बाय द गैस तो ये हो गया, ये तो सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा एक चीज से याद रखिएगा इसको, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब हम थोड़ा आगे बढ़े और एक चीज लें, दो चीजें, और वो दो चीजें क्या ले रहे हैं ध्यान से समझो। एक तो ये ले रहे हैं, ये कि वर्क डन बाय द गैस को मान लीजिए मैं डीडब्ल्यू बोल दूं, ठीक है, छोटा सा वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस को हम और क्या लिखते हैं बताओ, पी डीवी, ये लिखते हैं नहीं लिखते? अरे लिखते हैं ना, पी किसका होता है, गैस का होता है ना, पीडीवी तो लिखते हैं ना, ये तो पता। वर्क डन बाय द गैस को हम पीडीवी भी लिखते हैं, छोटे से वर्क डन को। हाँ, हमें नेट वर्क डन निकालना होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, बट यहां पे नेट वर्क डन नहीं निकाल रहा हूं मैं, तो छोटे से वर्क डन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने पीडीवी लिख दिया है। समझ आ रही है? अगर छोटे से वर्क डन की बात कर रहा हूं तो छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डीडब्ल्यू इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डीयू, छोटी सी क्या पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी छोटी सी क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज। समझ आ रही है? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब ये लिख सकता हूं पीडीवी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाई टू एन आर डी टी। इसमें कोई किसी को कोई शक हो तो बोल दो, कोई शक नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और जब इसमें शक नहीं है तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें जानते हैं, और वो ये है, सुनना ध्यान से, कि एक चीज हमें पता है कि ये गैस कौन सी है, ये गैस है आइडियल गैस, ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस से रिलेशन आ रहा है, और ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है प्रोसेस की वजह से। कौन से प्रोसेस की वजह से? एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से। मतलब एक एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से रिलेशन है, और एक रिलेशन हमारे पास में क्या है, आइडियल गैस की वजह से। इसको देखो, P चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, T चेंज हो रहा है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, PdV प्लस VdP। समझ आ रही है? अरे नहीं आई समझ, अरे T के रिस्पेक्ट में कर लो आप, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, P और V क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं, तो एक बार इसको एज इट इज dV अपॉन dT, एक बार V को एज इट इज और dP अपॉन dT इक्वल टू एन आर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन, तो इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। और इस dT को यहां से ले जाके यहां पे मैं रख रहा हूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं कि जो एनआर dT है ना, एनआर dT, इसकी वैल्यू यहां से रख रहा हूं, और वो क्या रख रहा हूं, देखो एनआर dT की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, एनआर dT विल बी इक्वल टू 2 बाय एफ माइनस तो आएगा ही PdV, यही तो आएगी, तो एनआर dT की वैल्यू यहां पे रखो, और यहां पे रखा तो आपको क्या मिला, PdV प्लस VdP इक्वल टू माइनस 2 बाय एफ PdV। इसको इधर लाइए और PdV को कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 बाय एफ, समझ आ रही है, और इक्वल टू माइनस VdP, कोई शक, इसको इधर लेके आया PdV, PdV को कॉमन लिया 1 प्लस 2 बाय एफ और इसको इधर ले गया, कोई शक। इस टर्म को हम बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं इसको, गामा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसको अभी मानिए कि ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है,
ये क्या है, एक एडियाबेटिक कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है एफ क्या है बेसिकली, एक ये डिपेंड करती है कि गैस क्या है, मोनो एटॉमिक है या डायटोमिक है, ट्रायटोमिक है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या है, इसको एक गामा क्या बोल दो, एक कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक फिक्स्ड गैस के लिए, तो गामा की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना, इसमें थोड़े ना चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो गामा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ये मान लीजिए, ठीक है, और इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। ये होता है सीपी बाय सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी ये इक्वल होती है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा तब की बात है ये, ठीक है। अभी इसको कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि फॉर अ पर्टिकुलर गैस, अगर इस कंटेनर में चाहे डायटोमिक भरी है, चाहे ट्रायटोमिक भरी है, चाहे मोनोटोमिक, एक गैस के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उस एक गैस के लिए इस वैल्यू को कांस्टेंट बोल सकता हूं, कोई शक नहीं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए गामा रख लीजिए, और गामा को बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक कांस्टेंट, और एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा की वैल्यू कितनी है, 1+2/F, ये बस अभी आप यहां पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पी डीवी और यहां पे गामा इक्वल टू माइनस वी डीपी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि v को इधर ले आइए और p को इधर ले जाइए, तो ये बन सकता है dp by p और गामा dv by v, समझ आ रही है। अरे मैंने इस स्टेप को इधर रख लिया है, मतलब p को dp के नीचे ले गया, dp के नीचे p और वो माइनस, और v को dv के नीचे ले गया और ये गामा, गामा क्या है, कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। अब मानिए कि जो गैस है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है, उसका जो इनिशियल प्रेशर है उसको मान लीजिए पी इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल प्रेशर, प्रेशर, और पी फाइनल को मानिए फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। पी फाइनल का मतलब फाइनल प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो गैस है वो पी इनिशियल से पी फाइनल जा रही है, ऐसे ही टेम्परेचर उसका टी इनिशियल से कहां जा रहा है, टी फाइनल, और ऐसे ही उसका वॉल्यूम जो है वो वी इनिशियल से कहां जा रहा है, वी फाइनल, ठीक है ना। अब टी इनिशियल क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट इनिशियल सिचुएशन और इनिशियल कंडीशन, ठीक है। पी इनिशियल इनिशियल प्रेशर, वी इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, P final, final pressure, T final, final volume, sorry, T final क्या है, final temperature, और V final क्या है, final volume of the gas, ठीक है। Initial situation से final पे जा रही है, इसका मतलब मैं मान ले रहा हूं कि P initial से कहां, P final pressure में change है, V initial से V final किस में, volume में change है। तो अब इसको अगर integrate किया तो इसका integration मुझे बताइए, इसका integration होगा माइनस एल एन पी, क्या होगा, माइनस एल एन पी। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे पी इनिशियल से पी फाइनल, तो आएगा आपका पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, ये आएगा या नहीं आएगा बताओ, कोई शक हो तो बताओ, नहीं। अब इसका मतलब इसे इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू करूंगा गामा एल एन V final upon V initial, क्योंकि ln V तो इसका क्या होगा, ln V तो क्या होगा इसका integration, और ln V integration and the limit is from V initial to V final, then we can say we can put this value, gamma ln के यहां पे लगा हुआ है, तो इसको इस gamma को जो इसके multiply में रखा हुआ है इसको इसकी power बना सकते हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एल एन एक्स है, ठीक है, एल एन एक्स बाय एल एन एक्स और वाई इसकी पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई एल एन एक्स, समझ आ रही है। एल एन में बेस क्या होता है, बेस होता है ई, और समझ आ रही है, ये तो आता है ना एल एन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस वाई को कहां पे पहुंचा सकते हैं, उसकी पावर पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बस वही करूंगा, और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, इस गामा को यहां पर इसकी पावर में पहुंचा दीजिए,
और इस गामा को यहां से मिटा के कहां पहुंचा दीजिए, इसकी पावर। ठीक है, अब एक और चीज, इस माइनस को भी इसकी पावर में पहुंचा दीजिए, मतलब इस माइनस वन को भी इसकी पावर में पहुंचा दीजिए, और ये माइनस वन जब इसकी पावर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, क्या हो जाएगा ये, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, क्या हो जाएगा ये, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो ये कह सकता हूं ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, ये माइनस जब यहां से हटेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल की जगह पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ठीक है, एल एन समथिंग इक्वल टू एल एन समथिंग, तो क्या हो जाएगा, समथिंग इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, अगर हम यहां पे, समझ आ रही है, दोनों में हम कह सकते हैं कि ln समथिंग इक्वल टू ln समथिंग लिखा हुआ है, यहां पे हम क्या कह सकते हैं, p इनिशियल अपॉन p फाइनल इक्वल टू हम लिख सकते हैं v फाइनल अपॉन v इनिशियल पार कितना, गामा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, v फाइनल अपॉन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, p इनिशियल अपॉन p फाइनल, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो p इनिशियल इंटू v इनिशियल की पावर कितना है, गामा, तो p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा इक्वल टू p फाइनल v फाइनल की पावर गामा। ये क्या आ गया, p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इक्वल टू p3 v3 की पावर गामा। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा p1 v1 इक्वल टू p2 v2 था, समझ आ रही है, तो ऐसे ही हमने क्या लिखा, pv इक्वल टू कांस्टेंट, समझ आ रही है, pv इक्वल टू कांस्टेंट था इसलिए तो हमने p1 v1 इक्वल टू p2 v2, समझ आ रही है। तो ऐसे ही एक रिलेशन ये किसके लिए निकल के आया है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, प्रोसेस और गैस को मिला के हमने क्या है, एक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है कैलकुलेट कर करके, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये pv में रिलेशन है, अगर मैं बात करूं pt में रिलेशन की, मैं ये मिटा रहा हूं और मिटा के आपको pt में रिलेशन और जो बचा vt में रिलेशन, उन दो रिलेशंस को और मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप हमेशा इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो सुनिए, हमारे को pv की पावर गामा इक्वल टू क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, और हमें पता है कि pv इक्वल टू क्या होता है, nrt, ठीक है, तो इसमें क्या करो, p को उठा के यहां पे रख दो, तो nrt अपॉन v यहां पे रखोगे तो क्या आएगा, nrt अपॉन v, इसको उठा के कहां रख रहे हो, यहां पे रख दो, ठीक है ना, इस रिलेशन को, मतलब p की वैल्यू को उठा के कहां, यहां इस रिलेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर गामा, देखो p ये रहा, v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, ये अगर क्वांटिटी की बात करो, nr, nr तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, t ये कांस्टेंट में चला जाएगा, और t v की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि v, v की पावर गामा और अपॉन v क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस वन, ठीक है ना। दूसरी चीज हमको vt निकालना है, क्या निकालना है, vt रिलेशन निकालना है, तो वो निकल आया है, सॉरी pt रिलेशन अगर निकाले, क्या निकाले हम, pt रिलेशन, तो pt रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको v को गायब करना पड़ेगा, तो यहां से v इक्वल टू क्या, nrt अपॉन p, ये हम कहां पे रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो जब इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो p v कितना है, nr t अपॉन p, इसकी पावर क्या है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसलिए
कॉन्स्टेंट की पावर गामा भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए इसको वहीं पे पहुंचा दो कॉन्स्टेंट के साथ। बचेगा क्या, बचेगा ये पी टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा और इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो ये पी की पावर वन और नीचे क्या है गामा, तो हम कह सकते हैं ये है पी की पावर वन माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीन रिलेशन निकल आए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों रिलेशन, और मैं तो कहूंगा ये तीनों ही रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, पर अगर आपको एक रिलेशन याद है तो दो रिलेशन निकाल सकते हो एग्जाम में, बट यार याद हो ये छोटे से रिलेशन तो फिर निकालने में टाइम वेस्ट तो ना होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट ऐसी चीजों के लिए हम बिल्कुल एग्जाम में नहीं करेंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कौन जो तीनों रिलेशन है, तो मान लीजिए आपको दो चीजें दे रखी हैं, तो इसमें इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, इससे ये होता है कि जैसे कि इसमें आपको टेम्परेचर टी इनिशियल दे रखा है, ठीक है, और टी फाइनल दे रखा है, ठीक है, और वी इनिशियल दे रखा है और वी फाइनल पूछा है, ठीक है ना। तो आप क्या लगा दोगे, सिंपल इसमें क्या लगाओगे बोलो, यहां बोल सकते हैं कि टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू V2 की पावर गामा माइनस वन, सीधा इसमें लगाओगे और यहां से क्या V2 मतलब V फाइनल आप निकाल लोगे, सिंपल। और ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है तो इसमें भी निकाल सकते हो। तो जितना इंपॉर्टेंट इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्कडन है, जो कि कुछ भी नहीं है, वर्कडन एडियाबेटिक में क्या होता है बोलो, अगर मैं वर्कडन की बात करूं तो वर्कडन के बारे में बात करूं तो वर्कडन क्या होता है एडियाबेटिक में, देखो सिंपल सी बात करें कि वर्क डन क्या होता है, तो आप बताएंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बाय द गैस इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यही तो होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें ना, तो यहां से अगर देखें कि एफ बाई टू की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से F by 2 की वैल्यू क्या आ रही है, और गामा के फॉर्म में अगर इस वर्क डन को मैं लिखना चाहता हूं, देखो ये तो F के फॉर्म में हो गया, गामा क्या है एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं, और अगर इसके फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं इसको वर्क डन को, तो भी लिख देता हूं, लेकिन ऐसा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। देखिए इसको लिखूंगा 2 by F की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, गामा माइनस वन, अगर यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं तो यहां पे माइनस प्लस ये हो जाएगा, समझ आ रही है। अगर इसको उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा एफ बाई टू माइनस एफ बाई टू और ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस गामा, मतलब इस माइनस एफ बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं वन अपॉन वन माइनस गामा। तो वर्क डन बाय द गैस को गामा के फॉर्म में लिखा जा सकता है एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा, और दूसरा क्या लिखा जा सकता है पी वन या पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन वन माइनस गामा। सो वर्क डन बाय द गैस जो गामा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज हमको आ गई। और वैसे मैं आपको बता दूं वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी आपको लिखना है तो आप एक ही चीज याद रखेंगे, वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, सिंपल। ज्यादा चीजों में याद रखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, यार ये फॉर्मूला था या वो फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला नहीं था, कुछ क्या था माइनस डेल्टा यू खत्म, और डेल्टा यू क्या होता है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, माइनस और लगा दो खत्म, वहां से सब कुछ चेंज कर लो। तो इन चीजों को आप ज्यादा याद नहीं रखेंगे, ठीक है, ज्यादा तवज्जो दोगे तो आप उतना ही कंफ्यूजन में जाओगे, कहेंगे फॉर्मूले मैंने लिख दिए लेकिन ये फालतू में याद नहीं करने, बस एक ही चीज याद करना है ये, जो कि याद क्या करना है यार, पता है आपको कि क्यू इक्वल टू जीरो होगा तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो ज्यादा देखना ही नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन को ये याद रखना कि गामा इक्वल टू वन प्लस क्या होता है टू बाई एफ, और माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा,
माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा, माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा, माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा। ये क्यों बोल रहा हूं बार बार पता है, इसी चीज में कभी कभी कंफ्यूजन कर देते थे हम, और क्या है गलती हो जाती थी, कभी एफ बाई टू को कुछ लिख दिया तो वो चीज, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जब ये याद रहेंगी तो आपकी जो स्पीड है ना क्वेश्चन करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फालतू में ये चीजें नहीं निकालनी होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देखो दोबारा दो बार और मैं रिपीट कराता हूं, माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा, माइनस एफ बाई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस गामा, समझ आ रही, ठीक है। तो लिखिए ऐसे हम सोच सकते हैं और जान सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है लिखिए। अब एग्जाम्पल अगर देखो कैसे आते हैं इस पर, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जैसा मैं दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस है और जिसमें सारी वॉल्स क्या है एडियाबैटिक है, और यहाँ पे क्या है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कहीं से भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है। इनिशियल पी नॉट वी नॉट एंड टी नॉट क्या है, गैस का क्या है, गैस का इनिशियल टी नॉट वी नॉट और टी नॉट वी नॉट और पी नॉट क्या है, ये दे रखे हैं पैरामीटर्स, ठीक है ना, और दे रखा है आपको कि ये क्या है मोनो एटोमिक गैस है, क्या है मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है मोनो एटॉमिक गैस है, ये दे रखा है आपको मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, और आपको बोल दिया कि इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, क्या है जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो कहां पे कितना रिड्यूस हो जाता है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन आपको निकालना है फाइनल 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 पी एन टी, सिंपल फाइनल पी एन टी निकालना है। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं, हमने गामा क्या पढ़ा था, वन प्लस टू बाय एफ, यही तो पढ़ा था। अब देखिए अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, और या फिर बात करूं डायटॉमिक, डायटॉमिक या फिर किसकी बात करूं डायटॉमिक और लीनियर ट्रायटॉमिक, समझ आ रही है लीनियर ट्रायटॉमिक, या फिर मैं किसकी बात करूं ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर, ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर, अगर मैं बात करूं गामा की, क्या बात करूं गामा की, तो गामा कैसे होगा बताओ। अब मोनो एटॉमिक के लिए अगर मैं बात करूं तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा गामा, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है थ्री, तो वन प्लस थ्री बाई टू, तो मतलब वन प्लस थ्री टू बाई थ्री, सॉरी वन प्लस टू बाई थ्री कितना हो जाएगा फाइव बाई थ्री, तो गामा मोनो एटॉमिक के लिए फाइव बाई थ्री, जो कि आपको याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। डायटॉमिक के लिए फाइव होती है इसकी वैल्यू, कितनी होती है फाइव, एफ की वैल्यू कितनी होती है फाइव, तो वन प्लस टू बाय फाइव, तो ये कितना हो जाएगा बोलो सेवन बाय फाइव, मतलब डायटॉमिक और लीनियर ट्रायटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होगी वो सेवन बाय फाइव, ट्रायटॉमिक लीनियर के ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर के लिए वन प्लस टू बाय सिक्स, क्योंकि एफ की वैल्यू सिक्स होती है इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रायटॉमिक, सो वन प्लस टू बाय सिक्स जो कि आ जाएगा एट बाय सिक्स, और एट बाय सिक्स का मतलब हो गया फोर बाय थ्री, ठीक है। ये आपको गामा की वैल्यू है, तीनों केसेस में आपको याद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है वैसे ही गामा की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार बताओ कि अगर मैं पूछूं कि गामा यहां देखो कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, क्योंकि हमें पता है कि एफ पॉजिटिव होती है और वन में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर जोड़ो तो वन से बड़ा ही होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गामा हमेशा वन से बड़ा है। मुझे बताइए किसका गामा ज्यादा है, मोनो एटॉमिक का गामा ज्यादा है या डायटॉमिक का गामा ज्यादा है,
या ट्राइटोमिक का गामा ज्यादा है, अगर मैं ये पूछना चाहूं तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे ज्यादा किसका है गामा? तो आप थोड़ा सा सॉल्व अगर करेंगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ज्यादा गामा किसके लिए है? मोनोएटॉमिक के लिए। उसके बाद किसके लिए है गामा? फॉर डायटोमिक और लीनियर ट्राइटोमिक। और फिर उसके बाद किसके लिए है गामा? ट्राइटोमिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद आपको रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझिए। पी, अब ये इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब क्या कह रहा है ये कि जो वॉल्यूम है वो इनिशियल से क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है वी इनिशियल वी नॉट, और वी फाइनल आपको दे रखा है वी नॉट बाय टू। तो कुछ भी नहीं है, पी निकालना है तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम कहेंगे पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। तो P1 इनिशियल क्या है? P0। V इनिशियल क्या है? V0। गामा क्या होगा मोनोएटॉमिक के लिए? 5 बाय 3, 5 बाय 3 इक्वल टू P2 निकालना है V2 V0 बाय 2, और इसकी पावर कितनी है? 5 बाय 3। ठीक है, तो P2 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि V नॉट की पार कितनी है? 5 बाई 3, और यहां पे भी V नॉट की पार 5 बाई 3, तो ये V नॉट से तो V नॉट गया। P2 हो जाएगा 2 रिस टू 5 बाई 3 P नॉट। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल प्रेशर। और आपको निकालना है क्या? T और निकालना है, तो VT रिलेशन देख लो। क्या देख लो? TV क्या था? VT रिलेशन बोलो क्या था? टी वी की पार गामा माइनस वन। तो टी वी की पार गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पे हम क्या कहेंगे? टी वन वी वन की पार गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पार गामा माइनस वन। ठीक है, तो यहां पे अब सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा? देखो, टी वन क्या था? टी वन था हमारा टी नॉट, यहां से थोड़ा सॉल्व करें तो टी नॉट था टी वन, और वी वन क्या था? वी नॉट, तो वी नॉट की पार गामा माइनस वन। गामा माइनस वन का मतलब वन माइनस, फाइव बाई थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा बोलो? टू बाई थ्री। फाइव बाई थ्री माइनस वन टू बाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर जो कि निकालना है वी टू क्या हो गया है? वी नॉट बाई टू, और इसकी पावर भी क्या? गामा माइनस वन जो कि टू बाई थ्री। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, समझ आ रही है? तो T2 कितना आ जाएगा आपका? 2 रेस टू 2 बाई 3 इंटू टी नॉट। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनसे घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज। अब वो आपकी, आप देख लीजिए कि कैसे याद करो, सच्ची बोल रहा हूं मैं। ठीक है, लिखिए यहां पर, देखिए कि अगर हम कहें कि कुछ चीजों को देखें इसमें, कि प्रोसेस हमारा आइसोबारिक में हम क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि आइसोबारिक का प्रोसेस का मतलब क्या था? आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब था P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हमें रिलेशन क्या मिला था चीजों में? रिलेशन मिला था हमको, P जब इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, आइसोबारिक प्रोसेस था, तो उसमें हमने क्या निकाला था? V बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकाला था। बोलो, V बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे हमने ये रिलेशन निकाल के पाए थे। ठीक है ना, और ये बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या था? V कॉन्स्टेंट होता है, इसमें V कॉन्स्टेंट होता है, और इसमें हमने निकाला था P बाय T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या था? T इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, और T इक्वल टू कॉन्स्टेंट में हमारा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकला था। ठीक है ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है, जो मेन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब। ठीक है ना,
और इसमें जो रिलेशन निकले थे वो क्या निकले थे, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्या निकला था, पी की पावर वन माइनस गामा और टी की पावर क्या बोलो गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वन माइनस गामा, पी वन माइनस गामा और टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा रिलेशन निकला था। बताइए कोई शक हो तो बताइए, यही रिलेशन हमने पाए थे या नहीं पाए थे। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इन प्रोसेसेस के लिए सारी चीजों की बात करूं, जैसे कि मैं अगर वर्क डन की बात करूं, वर्क डन नहीं पहले डेल्टा यू की बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की मैं अगर बात करूं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोबारिक प्रोसेस में क्या आई थी बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस में तो प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें क्या आएगी बोलो, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, समझ आ रही है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी यही तो आएगी, और प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें इसको जो हम लिख सकते हैं वो ये एक और चीज लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम एफ बाई टू पी डेल्टा वी, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना डेल्टा यू को आइसोबारिक प्रोसेस में, समझ आ रही है, क्योंकि हमें पता आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट होता है, तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी में पी इंटू डी वी इक्वल टू एन आर डी टी लिख सकता हूं, इसका मतलब पी डी वी को एन आर डी टी, समझ आ रही है, मतलब एन आर डी टी को पी डेल्टा वी लिख सकता हूं, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है डेल्टा यू क्या लिख सकता हूं मैं बोलो, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वी कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको ओनली एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें अगर देखें पीवी इक्वल टू एन आर टी को क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे पी चेंज होता है वी कांस्टेंट होता है, इसलिए वी डी पी इक्वल टू एन आर डी टी, ये चीजें यूज आ जाती हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, यूज आती हैं ये चीजें, ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं। अब बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल का मतलब टी कांस्टेंट, तो जो डेल्टा यू हो गया वो जीरो हो गया, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू है उसको क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं एफ बाई टू वही एन आर डेल्टा टी, ठीक है। और दूसरा अगर लिखना चाहे तो दूसरी चीजों में भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू पी इनिशियल वी इनिशियल या पी वन वी वन, पी वन वी वन माइनस पी टू, सॉरी इसको लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये लिख सकते हैं, समझ आ रही है, ये डेल्टा यू लिख रहा हूं मैं, ध्यान रहे, क्योंकि हमें पता है कि एनआर डेल्टा टी का मतलब एनआर टी टू माइनस टी वन, तो एनआर टी टू माइनस एनआर टी वन, एनआर टी टू को क्या लिख सकता हूं मैं, पी टू वी टू, तो पी टू वी टू माइनस एनआर टी वन, तो एनआर टी वन को क्या लिख सकता हूं बोलो, पी वन वी वन, सिंपल, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वर्क डन की, किसकी बात करूं, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू की, तो डेल्टा डब्ल्यू की मुझे बताइए, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो लिख सकता हूं मैं पी डेल्टा वी, या फिर लिख सकता हूं मैं एन आर डेल्टा टी, समझ आ रही है, पी डेल्टा वी लिख सकता हूं, पी डेल्टा वी का मतलब हो गया पी फाइनल, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। और क्या लिख सकता, यहां पे क्या लिख सकता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, जीरो होता है, सिंपल सी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है हमारा एन आर टी एल एन, एन आर टी एल एन बोलो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, और क्या लिख सकते हैं, एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक में क्या लिख सकता हूं, वर्क डन, सिंपल सी बात है, इसका उल्टा लिख सकते हैं, मतलब माइनस एफ बाई टू एन आर
डेल्टा टी, या फिर क्या लिख सकता हूं एफ बाई टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, या क्या लिख सकता हूं हमें क्या पता था माइनस एफ बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम वन अपॉन वन माइनस गामा। तो हम क्या लिख सकते हैं गामा के फॉर्म में, गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए पी टू और यहां पे वी टू और यहां पे पी वन और वी वन लिखा है और यहां पे माइनस लगा रखा है, तो हम ये माइनस एफ बाई टू को क्या रिप्लेस कर सकते हैं वन अपॉन वन माइनस गामा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो गामा होता है वो क्या होता है वन अपॉन टू बाई एफ, तो टू बाई एफ को हम लिख सकते हैं गामा माइनस वन, और एफ बाई टू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन गामा माइनस वन। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, यहां पे रख लेना अगर रखना है तो। अब इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, अब डेल्टा क्यू की अगर बात करें, किसकी डेल्टा क्यू की, तो डेल्टा क्यू में इन दोनों को जोड़ दो, और ऐसी डेल्टा क्यू में इन दोनों को जोड़ दो, इसके लिए डेल्टा क्यू निकालने के लिए ऐसी डेल्टा क्यू में इन दोनों को जोड़ दो, ऐसी डेल्टा क्यू में इन दोनों को जोड़ोगे तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ऐसे हम डेल्टा क्यू के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं इन दिस केस, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपको याद है तो बहुत बेहतर रहेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे जैसे मेरे को याद है और मैं जैसे लिख पा रहा हूं वैसे आप भी लिख पाए, तो ऐसा फील होगा आपको कि हाँ बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली है, ठीक है। लिखिए।